अब जो उसको प्रतिपादन करने के लिए तस्मात भाई तस्मात आत्मा आकाश संबुद्धि अंदर तक आया अंदर पुरुष सबा ईश्व अंदर समय पुरुष जो हमें देखे एक नंबर टिप्पणी सबा ईश्व पुरुष अंदर समय अर्थ होता है जो ढकता है। अब देखना जो तलवार को जो है मैन के द्वारा ढकता है मैन के बोले को क्या नहीं है तलवार को इसी प्रकार पांच कोष के द्वारा ढका हुआ जो था उसको समझाना इस कोष मतलब पंचकोष विवेक का उपयोगिता है उसको समझाना है ना। इसलिए क्या उपधान में देखिए बोले थे जीवस्य अद्वितीय ब्रह्मत्वम् उत्पत्ति अवस्थापन उपाधिकम् जीव ही पारमार्थिक रूप से ब्रह्म है भेद रहित ब्रह्म है कि हमने श्रुति के आधार पर युक्ति के आधार पर सिद्ध करेगा नहीं तत्व तैतृय श्रुति का तात्पर्य उस विषय में तैतृय श्रुति का एक होता है वाचार्थ और एक होता है तात्पर्यगत अर्थ। क्या बोला एक हो गया वाचार्थ एक हो गया तात्पर्यगत अर्थ। तात्पर्य किससे निकाला जाता है तात्पर्य निर्णय छह लिंग है ऊपर का उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उपगतिष्ठ सर्वलिंग तात्पर्य तो किसी ग्रंथ भाग की तात्पर्य किसमें है वो इच्छा लिंग के कसौटी पर डाल करके निर्णय करते हैं। यहाँ पे अन्नमय कोष को सत्य प्रतिपादन करने के लिए अन्नमय कोष को नहीं कहा गया क्योंकि पहले प्रतिज्ञा बात हो गया है दोनों में लाभ है ना आनंद जाना आनंद इस प्रकार से जो है ये ब्रह्म को ही प्रतिपादन करने के लिए एक अधारो अपवाद अपवाद के माध्यम से कि अपवाद कैसे करते हैं एकदम अन्नमय आत्मान को संक्रांति एकदम कामय आत्मान सब परिषद कर देते हैं लेकर के अंतिम है ना तो आनंद रूप में स्थिर हो गया ब्रह्म को चिंता इस प्रकार संहार की आदि तात्पर्य निर्णय शब्द के बल पर आनंद की अभ्यास है कोई प्रतिपादन करना तात्पर्य निर्णय स्वयं के द्वारा ब्रह्म के प्रतिपादन करना अभिप्राय है उसको प्रतिपादन करना अभिप्राय नहीं है ना। इसी का ब्रह्म बोलता है रसादयो हिजे कोश है रस मतलब अंतर समय है ना सवा ईश्वर पुरुष अंतर समय से रसादय रसादय सभी प्रक है अन्नमय से लेकर के आनंदमय रसादय से अन्नमय से था ये जो कोश देते हुए उपनिषद व्याख्या किया तेषा आत्मा परो जीव उसके उसमें इन सभी कोश के माध्यम की आत्मा कौन है ना उसका सार क्या वस्तु है स्वरूप क्या है वो जो जीव मतलब जीवन निमित्तत्व जीव ये पांच कोष जो है जिसके निमित्त रह सकता है काम कर सकते हैं उसको जीव बोला जाए यहाँ पे कृष्ण आत्मा पर जीव अब वहाँ पे खम यथा सम प्रकाशित इस प्रकार से तो पहले कहते हैं कि आकाश उपाधि के माध्यम से प्रकाशित होता है आकाश का आपको समझ सामान्य रूप से पकड़ में नहीं आता समझ में भी नहीं आएगा उपाधि के माध्यम से घर आदि के माध्यम से जब आकाश जा रहा है जब आकाश आ रहा है वास्तविक आकाश की गति नहीं है आकाश में उत्पत्ति नहीं है नाश भी नहीं है उपाधि की उत्पत्ति उपाधि के नाश उत्पत्ति की गति उपाधि के आदि की उपाधि के धर्म को अधिष्ठान आरोप करके व्यवहार इसी में आप बोलते हैं श्लोक से तात्पर्य भाषिका का देखिए भाष्यकार के लिए उपाध्यान उपाध्यान दे रहा है श्लोक की तात्पर्य बता कि एक होता है बच्चा तो एक होता है लक्ष्य एक होता है शब्द तो उसमें अभिप्रेत है तात्पर्य निकालने के लिए षडलिंगात्मक हमारे कसौटी है उसमें डालना पड़ता है क्या कहा उन पूर्व मीमांसा दर्शन ने निश्चय किया बिना जिन्हें निश्चय नहीं किया ये जो तात्पर्य निर्णय शैलिंग पूर्व मीमांसा दर्शन उसी का आधार करना भी निर्णय करते अभाष्य में आते उत्पत्ति आदि वर्जितस्य अद्वयस्य आत्मतत्त्वस्य श्रुति प्रमाणरत्त प्रदर्शनार्थं वैज्ञानिक उपनिषदे है ना। आत्मा कैसे है उत्पत्ति आदि वर्जितस्य उत्पत्ति स्थिति लय इससे लय आदि से कौन ग्रहण हो जाएगा यद्यपि आपके पास जब अर्थात जब ब्रह्म जिज्ञासा के बाद जब ब्रह्म के दर्शन करने के लिए कहें था तब क्या था जन्मदस्य यतः तटस्थ लक्षण वही है परंतु उसके द्वारा वो लक्षित मात्र परंतु उसके स्वरूप ये नहीं है स्वरूप तो उसका सत्यम ज्ञान इसलिए हम लोग निषेधा करते जीवस्य उत्पत्तिया भी वर्जित
योजी उत्पत्ति स्थिति लय से रहित है, अद्वय से जो भेद रहित है। इस प्रकार जो आत्म तत्व आत्मा के अंदर जो सच्चाई है उसका श्रुति प्रमाण का तो श्रुति प्रमाण के द्वारा शुद्ध होता है, श्रुति प्रमाण वाला है, इसको दिखाने के लिए श्रुति प्रमाण का प्रदर्शनार्थम वाक्यानि उपन्यस्यन्ते के वाक्यों को यहाँ पे लाया जाता है, उपन्यास को जब रखा जाता है। ठीक है, उत्पत्ति आदि वर्णित अव्ययस्य आत्मतत्व, आत्मतत्व में ना उत्पत्ति है ना लय है, आत्मतत्व में ना कोई भेद है, पारमार्थिक असंबंध सर्वतः असंग पूर्ण व्यापक शुद्ध चेतन तत्व उसमें जो है और यही उसका स्वरूप है। इसको श्रुति वाक्यों के द्वारा दिखाने के लिए श्रुति वाक्यों को यहाँ पे उपन्यास करते हैं, यहाँ पे ला के दिखाते हैं। अब जो है अक्षरार्थम कथा यदि श्लोक में आए हुए जो अक्षर है उनको मतलब पद है उसके अर्थ को कहते हैं, और कथा जी का कर्ता कौन होगा? भाष्यकार बोलते हैं, भाष्यकार अभी बोल पदाचार्य की वाक्य को अर्थ करते हैं, अक्षर अर्थम अक्षर की अर्थ को कहते कथा यदि भगवान भाष्यकार तभी तो उसका उत्पत्ति जाएगा वहां की प्रसाद प्रसादय वो कौन है? अन्न रसमय प्राणमय उसके बाद मनोमय विज्ञानमय आनंदमय रागिन सब आ जाए यदि एमादय इस प्रकार से जो वहाँ पे पांच कोश का बारे में कथन किया गया एमादय कोशा दीव कोशा यदि ये सब तो भगवान भास्कर सावधान करते हैं दृष्टान्त और दृष्टान्त में जिस प्रकार ज्ञान अब तलवार ठीक है ना ज्ञान के अंदर तलवार नहीं है जहाँ पे मैन है वहाँ पे तलवार नहीं है क्योंकि तो अलग कोष है परंतु जिस कोष के द्वारा हम आत्मा को समझा रहे हैं उस कोष के अंदर भी आत्मा अनुसूत है तो कोष आपका स्मृति को प्राप्त नहीं करता तो इसलिए अभी कोष की वह कोष मतलब वो पूरा ढक नहीं पाया उसको क्योंकि उसी के सत्ता स्फूर्ति के मानव पाँचों को सत्ता स्फूर्ति को प्राप्त हो गया इसीलिए आपने की वह मतलब जिस आत्मा को कभी ढकना संभव ही नहीं तलवार के लिए अश्वादि का जैसा होता है यहाँ पे क्या होगा उत्तर उत्तर से अपेक्षा बहिर्भावा पूर्व पूर्व मतलब अन्नमय कोष के पीछे कौन है प्राणमय कोष प्राणमय तो उसके पीछे कौन है मनोमय मनोमय के विज्ञानमय आनंदमय यानी आनंदमय की तुलना में विज्ञानमय बाहर है विज्ञानमय की तुलना मनोमय बाहर है मनोमय की तुलना प्राणमय बाहर है प्राणमय की तुलना अन्नमय बाहर है इसलिए यहाँ पे बोलते हैं अश्वि उत्तर उत्तर पीछे पीछे का अपेक्षा से जो अगला वाला बहिर्भावा तो बाहर है वो बाहर है ये अंदर है ठीक है बहिर्भावा पूर्व पूर्व पहला जो कोष आया वो सबसे बाहर अन्नमय कोष उसके बाद प्राणमय कोष को बाकी तीन की तुलना में बाहर है मनोमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोष और विज्ञानमय आनंदमय कोष की तुलना में मनोमय बाहर है इस प्रकार से बोलते हैं अश्वादेवी उत्तर उत्तर अपेक्षा पहली महाभार पूर्व पूर्व जो पहला पहले का विभाग है वो बाहर की ओर व्याख्याता प्रसादय विजय कोष इसका व्याख्याता मतलब विस्पष्टम आख्याता स्पष्ट रूप में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है स्पष्ट रूप से कथन किया है विस्पष्टम आख्याता वहाँ कथन किया गया है तैत्तिरीय के कृष्ण यजुर्वेदिक तैत्तिरीय शाखा है उस तैत्तिरीय शाखा में ऐसा कहा गया तैत्तिरीय शाखा तैत्तिरीय शाखा उपनिषद ब्रह्मवल्ल तैत्तिरीय शाखीय उपनिषद के तीन बल्लियाँ वहाँ विशेषा बल्ली ब्रह्मानंद बल्ली और भृगुबल्ली उसको आत्मा मतलब जिसके रहने के कारण ही व्यवहार कर पाता है आत्मा उसका स्वरूप है तेषां कोशानां आत्मा तिम येन आत्मना पञ्चापि कोश आत्मवंत जिसके रहने के कारण पांचों कोश आत्मवंत मतलब वो सत्ता स्फूर्ति को प्राप्त करते हैं दे कैन कम इनटू द एग्जिस्टेंस
सत्ता स्फूर्ति को प्राप्त होता है, आत्मा तो आत्मवान होता है। इसलिए बोलते हैं ये न आत्मना, जिस आत्मा की रहने के कारण पंच अपी कोश, पांचों कोश पंच अपी में बोल रहे हैं यहाँ पे, आनंदमय कोश की शिक्षण भ्रांति कर लगी, आनंदमय कोश आत्मा पांचों ही कोश आनंदमय भी और दुर्विका कैटेगोरी ना उसको भी निषेध कर देते हैं। पंच अपी कोश आत्मबल आत्मत्म तो सत्ता स्फूर्ति प्राप्त बनता, सत्ता स्फूर्ति प्राप्त करता है अंतर तमे न अन्नमय कोश किस सत्ता स्फूर्ति प्राप्त करते हैं प्राण आत्मा परो पर उसके पीछे अंदर फिर आया जीव, जीव मतलब सही सर्वेशम जीवन निमित्तत्वात् जीव, वो जो आत्मा है अधिष्ठान में ब्रह्म है वो सबकी सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने में निमित्त होने के कारण जीवित जीने के लिए निमित्त होने के कारण उसको जीव कहा जाए। पंचकोशों का व्यवहार करने के निमित्त होने के कारण कौन रुद्रपुंज प्रतिष्ठा में भी आत्मा है ना उसको वहाँ पे जीव कहा जाए। तेषा आत्मा परो जीव स ही स जो पर तत्व है वो सर्वेशम जीवन सर्वेशम कोशानाम जीवन निमित्तत्व व्यवहार निमित्तत्व जीव, ठीक है सर्वेशम कोशानाम व्यवहार निमित्त जीवन व्यवहार निमित्तत्व जीव, वो स्वरूप है वो पर परमात्मा पर एव आत्मा जो पर भी है श्रेष्ठ भी है शुद्ध भी है और आत्मा भी स्वरूप भी है सब, यह पूर्व जिसको सबसे पहले प्रतिज्ञा वाक्य में किस शब्द के द्वारा कहा गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है ना, ये जिसको द्वारा जो लक्षित होते हैं इस लक्षण के द्वारा जो यदि प्रकृत मतलब जिसको संदर्भ में ला करके ये विचार उठाया गया है प्रकृत मतलब विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है ना, जिसको प्रकृति विचार मतलब सामने ला करके विचार उठाया गया है यहाँ पे वह वही आत्मा है वही परम है। यहाँ पे कह देता सबसे पहले माने ब्रह्मानंद वर्णी के सूत्र में ऐसा कहा गया है कि प्रकृत के वहाँ पे विचाराधीन है। अच्छा क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बाकी तो सारा सच्चाई दिखाई पड़ते हैं हमको तो नहीं ऐसे तो सारा जो उसके ऊपर पाँच कोष दिखाई पड़ता है वो पाँच को दसवा आत्मन वो पाँच कोष आत्मा का स्वप्न मायादिवत आकाश आदि क्रमेण दो दृष्टांत दिया एक स्वप्न अथवा माया। इस प्रकार स्वप्न दृष्टा पुरुष अपने में सारा चीज कल्पना कर लेते हैं अथवा माया माया भी जो अपने अंदर सारा चीज को दिखा देते हैं अपने आप उससे भिन्न रहते हैं स्वप्न दृष्टा स्वप्न विश्व पदार्थ से भिन्न होता है। इसी प्रकार से स्वप्न मायादिवत ये कैसे सृष्टि हुआ था आकाश आदि तस्मान वही तस्मान आत्मा आकाश समुद्र आकाश आदि क्रम आकाश वायु वायु प्रसाद लक्षण मतलब आत्ममाया विषय आत्मा की माया से आत्मा के अज्ञान के कारण में वो प्रतीति होती है विषय दिखाई पड़ते हैं प्रतीति होते हैं विशेष रूपेण शिष्ट विविध रूपेण शिष्ट विषयता विविध एक नंबर टिप्पणी में देखिए स्वप्न मायादि स्वप्न दृश्य देहादिवत माया विरचित देहादिवच इति माया स्वप्न में जैसा हमें अलग अलग शरीर दिखाई पड़ते हैं स्वप्न में अपना शरीर को भी कल्पना करते हैं दोस्तों के शरीर को भी कल्पना करते हैं पेट पूर्ण भी कल्पना करते हैं गति मार भी कल्पना करते हैं क्या भी कल्पना करते हैं इसलिए बोलते हैं स्वप्न दृश्य देहादिवत स्वप्न में दिखाई दिया देहादि कृष्ण आदि से पहाड़ पर्वत नदी नाला जो भी कुछ हम कल्पना करते हैं और माया विरचित देहादिवत माया भी जैसे अलग अलग प्रकार के शरीर माने को दिखाते हैं इस प्रकार से आत्ममाया विषय यहाँ पे स्वप्न मायादिवत आकाश आदि में वहाँ पे प्रसाद उसको भरोसा कैसे आत्ममाया विषय मायादि से सृष्टि के लेने के नहीं किस प्रकार से सृष्टि हुआ वो बोल रहे स्वप्न मायादि
वह आकाश आदि ग्रहण जिस प्रकार स्वप्न में वस्तु उत्पन्न होता है अथवा माया की जादूगर जैसे वस्तु को दिखाता है, माया एक वस्तु इसी प्रकार से आकाश का विग्रह से सृष्टि दिखाई पड़ती है। प्रक्रिया का मतलब क्या है, क्यों दिखाई पड़ रहे हैं जैसे स्वप्न में देखते हैं, क्यों दिखाई पड़ता है जैसे हम जादू जादू को देखने में जाते हैं, नहीं होता इसी प्रकार से आकाश आदि ग्रह से ग्रहण को दिखाई पड़ता है। एक स्वप्न दृश्य देह देहादि स्वप्न में दिखाई दे रहे शरीर के समान माया विरचित देहादि अथवा माया के द्वारा रचना रचित होता है जादू का लोग दिखाते इसी प्रकार से ये सृष्टि ऐसे ही है। दो नंबर टिप्पणी है आत्म माया विश्वरचित का, ठीक है ना, जो है ननु यानी है उष्मत प्रकर में श्रुति साम्य अभाव कथम ऐक्यम ऐक्यमत्यम दयोति आशंक आह। ये बेचारा देखो बेचारा सब घबराया हुआ है, समझ नहीं पा आपने क्या प्रतिज्ञा दिया ब्रह्म कथन किसका शुरू कर दिया तस्मात्मकाश संभव में एक का बात थोड़ी है, प्रतिज्ञा किया कुछ बोलना शुरू किया कुछ दोनों का एक मत कहते एक वस्तु कैसे होगा। आपने प्रतिज्ञा किया ब्रह्मविद आत्मों की वर्ण संतम ज्ञान अनंतम ब्रह्म तो आपको क्या लगेगा कहना चाहिए तस्मात वा एक तस्मात ब्रह्म आकाश संभूत आपने अपना के बारे में वर्णन कर दिया नहीं आपको तो परीक्षित एक एक कैसे हो सकता है ना, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे उस्मत प्रकरण श्रुति साम्य अभाव श्रुति की समता नहीं दिखाई पड़ती है, श्रुति कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलती है, अथवा ऐक्यवाक्य मतलब दोनों की एक बात पता कैसे हो सकता है, दोनों की ऐक्य मतलब एक बात पता। अच्छा एक बात पता कैसे निर्णय करते हैं, पूरा भगवत गीता में कितना वाक्य है 700 वाक्य है, मैंने पूछा कितना वाक्य है एक वाक्य है क्योंकि 700 श्लोकों के तात्पर्य एक ही में है, नहीं तो हाँ ये जो है ये जो एक प्रकरण में एक वाक्य का निर्णय कैसे करते हैं क्योंकि समस्त श्लोकों के तात्पर्य एक ही में है, तात्पर्य के आधार पर एक वाक्य का निर्माण होता है, तो भगवद गीता 18 कम से कम 18 वाक्य तो हो जाए यही चीज नहीं समझ पा रही क्योंकि यहाँ पे पूरे बात ही बोल रहे हैं वहाँ पे प्रतिज्ञा आपने पूछ की और आपने कथन पूछ और करने लगे तो एक एक वाक्य का कैसे होगा इसमें कौन बोलते हैं यानी पुष्पक प्रकरण श्रुति साम्य अभाव कथम ऐक्यमत्यम कथन एक मत का कैसे हो सकता है कहो प्रतिज्ञा बोलता है कि आशंका आत्म माया विषय गीता एक बोलता है बोलता है कि ये जो है ना ये भी तुमको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है माया से ग्रसित है इसलिए आत्म माया विषय आत्म संबंधित अज्ञान एक जो है जो दिखाई पड़ता है ब्रह्म बोलो चाहे आत्मा बोलो आत्म नहीं समझ में आता है इसलिए मजेदार टिप्पणी लिखा है क्या बोलते हैं ये तो दोनों की एक बात पर तात्पर्य एक में ये भी नहीं समझ में आ रहा है यही माया का महिमा है यही माया का महिमा है कि एक है एक बात पर समझ में नहीं आ रहा है सुनते हैं वहाँ पर क्योंकि देखो उपक्रम में बोला और फिर अंतिम में भी बोला ब्रह्म पुष्प और उसको प्रतिज्ञा का बाकी पुष्टिकरण कैसे होगा पाँच पुष्पों निषेध करके इसलिए ना तो एक आत्म माया विषय तो हमारे यहाँ की चीज़ को देखिए हमारे यहाँ पे माया नामक कोई अलग वस्तु नहीं है, आप स्वरूप की ज्ञान में मुक्ति स्वरूप की अज्ञानी बनते हैं यही माया इस इसको बोलते हैं जो अज्ञानी इस तरह सारा सृष्टि दिखाई पड़ता वही हमारे लिए बंधन के लिए इसलिए हम बोलते हैं आत्म माया विषय होता है स आत्मा अस्माभिः यथा खम तथा इति शं प्रकाशित। देखो हमने आपको तीन नंबर श्लोक में समझ समझा के आया आपने उसको भूल गया, तीन नंबर श्लोक में क्या बताया था कि आत्मा याकाश बल जीवे घटाकाशे बोधित घटाधिवच संघाते जातो एतन निदर्शनम, ठीक है ना, आत्मा की उत्पत्ति में क्या निदर्शन है जैसे आकाश से घटाकाश की उत्पत्ति होती है बंदाकाश मठाकाश बिलाकाश कमंडूलाकाश करोल आकाश ये सब आकार एक ही आकार की उत्पत्ति होता है, इसी प्रकार एक ही आत्मा में अनेक चौरा शिला उत्पत्ति है। मतलब क्या है कि उपाधि की उत्पत्ति से आकाश की उत्पत्ति की प्रति होती है, इसी प्रकार आकाश से विशुद्ध व्यापक शुद्ध चेतन आत्मा वो उपाधि अपने कर्म का अनुसार उपाधि की उत्पत्ति से उसकी उत्पत्ति की प्रति होती है। स आत्मा अस्माभिः उस आत्मा हम लोगों के द्वारा जैसे
हम कथाई जैसे आकाश की उत्पत्ति दिखाई पड़ता है, कथाई की संप्रकाशित संपत्त रूप से प्रकाशित किया ना, आत्मा ही आकाशवादी तब विश्व के आत्मा भी आकाशवादी वे घटा का तेरी हो देगा मतलब विश्व कहाँ है सूर्यमती न तार्किक परिकल्पित आत्मगत है ना, युक्ति के द्वारा आत्मा के भिन्नता सिद्ध करने वाला आत्मा के विरोधी विरोधी है। तार्किक परिकल्पित मतलब चाहे जो दर्शन चाहे सांख्य दर्शन चाहे न्याय दर्शन चाहे वैज्ञानिक दर्शन चाहे मीमांसा दर्शन, ये पांचों ने जीवात्मा को अनेक माना, पांचों ने जीवात्मा को अनेक माना, किसी ने जीवात्मा से परमात्मा को भिन्न मान लिया और किसी ने परमात्मा को माना ही नहीं। सांख्य दर्शन में और पूर्व मीमांसा दर्शन ईश्वर शब्द नहीं मिला योग दर्शन न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन में ईश्वर शब्द पूर्ण बुजुर्गों ने जैसा कि जीवात्मा को परमात्मा की उत्पत्ति माना सिद्धांत को पुष्ट करने के ऐसा हमारी मानना नहीं है। न कार्तिक परिकल्पित आत्मवत कार्तिक लोग ने जैसा कल्पना किया इस प्रकार हमारी कल्पना है पुरुष वृद्धि बुद्धि प्रमाण अभिप्राय जो पुरुष की बुद्धि से प्रमाणित होता है शास्त्र से प्रमाणित नहीं होता। आप लोगों ने दर्शन कैसे बनाए आपने सिद्धांत तो बनाया और आपने सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए सूखी बाबू के ग्रंथ से जोड़ते गए आपने आपने अपना सिद्धांत को बनाया बनाने के बाद आप अपने सिद्धांत को दर्शन के द्वारा मतलब सूखी के द्वारा पुष्ट कर प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए सूखी बाबू के ग्रंथ से जोड़ दिया और वेदांत समस्त स्तुति को एक साथ लाता है उसके साथ क्या तात्पर्य इसमें कुछ उत्तर सिद्धांत पुरुष बुद्धि बुद्धि जनक प्रमाण इंद्रिय गम्य है ना, बुद्धि हमारे कोई बुद्धि नहीं कोई वस्तु उत्पन्न करने के लिए किसको सहारा चाहिए इंद्रियों में, इसलिए इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि में जो बोध उत्पन्न होता है इस प्रकार के बोध से तुमने जो है अपना दर्शन को बनाया ठीक है ना। बुद्धि जनक प्रमाण बुद्धि उत्पन्न करते हैं विषय बुद्धि से वस्तु संबंधित प्रमा का प्रमुख प्रचलन प्रभाव उत्पन्न करने किसी वस्तु संबंधित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आपने प्रमा इंद्रियों को लेकर उसके माध्यम से उसको प्राप्त किया इंद्रिय गम्यम यदा एक हो गया पहला तो पुरुष अथवा जन्मा पुरुष बुद्धि उद्भावित प्रमाणम अनात्मशास्त्र अथवा पुरुष के बुद्धि में दर्शन को बनाने वाले उस बुद्धि ने जो आया अगर पूरे दर्शन को बना दिया इसलिए बोलते हैं अथवा जन्मा पुरुष बुद्धि उद्भावित प्रमाण अनात्मशास्त्र परंतु जो है वो शास्त्री आपको जो है उसको मतलब उसको सहारा लेकर अनात्मशास्त्र है वो आत्मशास्त्र तदम उससे भी प्राप्त होते इसलिए बोलते हैं तथा पुरुष बुद्धि उद्भावितम उद्भावितम मतलब पुरुष से बुद्धि में उत्पन्न हुआ प्रमाण उसमें जो प्रमाण रूप है पुरुष अपनी बुद्धि को प्रमाण माना जो मैंने समझा ये और उसको समझ गए मतलब आपने विचार किया कुछ निर्णय किया इसलिए होता पुरुष प्रणीत ग्रंथ में कम से कम दो दोष को आएगा ही आएगा किसी भी पुरुष प्रणीत ग्रंथ में कम से कम दो दोष आएगा क्या आएगा करना पाठ दोष का पाठ विप्रोष मतलब अपुरुष सामान्य व्यक्ति जो भी कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो अपने इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करते हैं हम इंद्रियों के अंदर पूर्ण दिखाने का सामर्थ्य नहीं है परंतु अपटुता और परंतु अपटुता के कारण पूर्णत्व की ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कभी होना संभव नहीं है क्योंकि मैंने अपनी आँख से देखा मैंने अपनी बुद्धि से समझा तो उसके कारण से एक दोष हो जाए उसी का क्या अर्थ विप्रवेश मतलब जिस चीज को हमने समझा उसी को ही हम प्रतिपादन समझा उसी को हम प्रतिपादन और उसको पुष्ट करने के लिए हमने अलग अलग तरह से सिद्धि का बुद्धि करते ये पुरुष प्रणी ग्रंथ में दो दोष अवश्य अब इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि यदा पुरुष बुद्धि उद्भावित पुरुष की बुद्धि से उद्भावित हुआ जो प्रमाण अनात्मशास्त्र जो आत्मसंबंधित नहीं है अब बताओ आत्मा को देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता तो आपने जो भी दर्शन बनाया वो इंद्रियों के द्वारा जाना जाए बुद्धि उसको देखिए से आत्मशास्त्र में या ब्रह्मविद ये हमारा पराविद्या है आत्मविद्या है राजविद्या है क्योंकि वो शास्त्रों का आधार पर बनाया गया है
और इसलिए अनात्मा अनात्म शास्त्र मतलब आत्मा बिंदु भक्तों का आत्मा इंद्रियों रूप में नहीं है तो आप भी मानते हो और उसी को आप शास्त्र का प्रतिपादन करेंगे वो शास्त्र क्या हो जाएगा अनात्म शास्त्र। आत्मा को प्रतिपादन प्रतिपादन नहीं करते इसलिए होता है अनात्म शास्त्र। जद्वा पुरुष प्रमाण अनात्म शास्त्र तद गम उसके द्वारा जो समझ में आते हैं वो देखो पुरुष बुद्धि प्रमाणित अभिप्राय ये हमारी अक्षरार्थम कथयती श्लोक में आए हुए भक्ति पत्र को भगवान भाषिका बोलते हैं। रसादयो उसमें जो आदि पद शब्द आया है रसादयो ये कोश प्रतिपद क्या है रसादय रसादी इसका प्रथम रूप है रसादी तो आदि किसी देखो तो आदि शब्द है ना आदि को आदि शब्द रसादय आदि शब्द उसे क्या ग्रहण होगा मनोमय विज्ञानमय आनंदमय विघंते है ना वहाँ पे आदि प्राणमय विघ्रहण होगा आदि शब्द मनोमय विज्ञानमय आनंदमय विघंत आदि शब्द वगैरह बाकी चार उसको वहाँ पे ग्रहण करना चाहिए। खड़गादेर यथा कोश तद अपेक्षाया बहिर्भवती है ना जैसे खड़ग को रखने वाले तलवार को रखने के लिए जो कोश होता है तो बाहर कौन होता है कोश होता है कि तलवार होता है कोश बाहर इसलिए बोलते हैं खड़गादेर यथा कोश जैसे खड़गादियों का जो कोश होता है उसकी अपेक्षा से मतलब खड़गादि की अपेक्षा से वही भवती वो खड़गादि का अपेक्षा से वो बाहर तद अपेक्षा मतलब खड़गादेर अपेक्षा खड़गादेर यथा कोशा तद अपेक्षा है वही खड़गादेर जो कोष दिखाई पड़ता है वो खड़गादेर की अपेक्षा से वो बाहर होता है ठीक है ये दृष्टांत भाग हो गया। तत्पर ठीक उसी प्रकार से पंच कोशा इस पंचकोश को भी ऐसा ही उपदेश किया जाता है व्यापदेश शांति इसी प्रकार से उपदेश किया जाता है मतलब जो आत्मा है इसके बाहर सबसे नस्तिक पंतु आत्मा से भिन्न है ना वो हो गया आनंद फिर उसके बाद कौन हो जाएगा विज्ञान में कुछ उससे फिर वहाँ फिर उस विज्ञान में कुछ अभी जैसे मैं एक दिखा वैसा नहीं मतलब क्या बोलेगा पहली फिर ये पूरा का पूरा कवर ही है उसका तो इस प्रकार से जो है आपको ये तद्वत एक एक पंच कोशा इसी प्रकार से पांच कोश पहले आत्मा आत्मा के बाद विज्ञान आनंदमय कोश आनंदमय कृपा विज्ञानमय कोश उसके बाद मनोमय उसके बाद प्राणमय उसके बाद पहला वाला जो है वो अंदर से बाहर है उत्तर मतलब बाद वाले से बाहर हो पहला वाला बाद वाले से बाहर होता है अन्नमय कोश पहला है बाद में प्राणमय कोश प्राणमय कोश का बाहर है उत्तर उत्तर से अपेक्षा बहिर्भाव पूर्व पूर्व से पूर्व पूर्व से बाहर अर्जुन ने किसी को समझा है पूर्व पूर्व से अन्नमयादेव सबसे पहले कौन है अन्न उसके बाद कौन है प्राणमय से बोलते हैं पूर्व पूर्व से अन्नमयादेव उत्तर उत्तर प्राणमय आदि अपेक्षा बाद में कौन है प्राणमय उसके बाद मनोमय उसके पहले प्राणमय की अपेक्षा से बहिर्भाव मतलब प्राणमय की अपेक्षा से अन्नमय कोश बाहर है फिर मनोमय की अपेक्षा से प्राणमय बाहर फिर बुद्धि विज्ञानमय कोश की अपेक्षा से मनोमय बाहर है इस प्रकार से यहाँ पे बोलते हैं पूर्व पूर्व से अन्नमय आदि उत्तर उत्तर प्राणमय आदि अपेक्षा बहिर्भाव ब्रह्म सर्वांतर परिष्ठ अपेक्षा ब्रह्म सबसे अंदर है सभी का आश्रय अधिष्ठान है ब्रह्म सर्वांतरम प्रतिष्ठा भूतम अपेक्ष उसका भी आनंदमय सभी वही अविशेष है आनंदमय कोष भी ब्रह्म प्रतिष्ठा की अपेक्षा से बाहर है ये आनंदमय कोष को लेकर जो सुना ऐसा कि जो भगवान शंकराचार्य के साथ व्यास देवी का जो शास्त्र ये आनंदमय अधिकारों को लेकर और जो है आपका रंग विश्व परिषद प्रश्न के रूप में व्याप्त हो जो तृतीय अध्याय प्रथम का पहला रंग उसको लेकर
उसका संतुष्ट होता है उसको सोलह साल और आयु उत्तरकाशी में किया ऐसा सुना ऐसे ही कुछ बोलते हैं उत्तरकाशी यहाँ पे बोलते हैं कि पूर्व पूर्वश्च अग्नमयादि उत्तर उत्तर प्राणमयादि अपेक्षा बहिर्भावा ब्रह्म सर्वांतरम प्रतिष्ठा होता है ब्रह्म सबसे अंदर और सबके अधिष्ठान होता है उसकी अपेक्षा उसकी अपेक्षा से आनंदमय सभी आनंदमय कोष का भी ये क्रांति ऐसा हुआ है और बहिर्भाव अविशेषा आनंदमय कोष भी ब्रह्म की अपेक्षा से भारी वस्तु भारी वस्तु और सामान्य रूप से कोष की कैटेगरी में वो भी आता है अविशेष वो भी सामान्य रूप से कोष कैटेगरी में आने के कारण अविशिष्ट पंचानम कोषत्व से पांच में ही कोषत्व धर्म है अन्नमय कोषत्व धर्म है विज्ञानमय विज्ञान में मन में आनंदमय में भी कोषत्व धर्म है आनंदमय भी जो है ब्रह्म शुद्ध रूप में हाँ नस्ति आनंदमय कोष में यदि आप लंबा समय तक रह सकता है अभ्यास करेंगे मतलब आनंदमय कोष के सामने कि आपकी प्रिय वस्तु को देखने से आपके मन में खुशी की वृद्धि होती है फिर वो वस्तु जब आपके पास आता है वो प्राप्त होता है तो खुशी की मात्रा अधिक होती है जब वो आपके साथ रहते आप उस पर खेलते हैं वो रहते हैं आप खुशी की मात्रा और अधिक होती है इस प्रकार कोई बच्चा को देखना जब छोटा है नया व्यक्ति वस्तु ला कर पिता माता देव उसको लेकर के खेलता है कुछ देर तक उसको खेलेगा फिर उसको तोड़ेगा फिर क्या हम सुन है कि नहीं मतलब मनोमय मत एक हमारे मन की स्वभाव है नया वस्तु को मिलने के बाद कुछ देर तक वहाँ पर अपने अविष्ट नया वस्तु उस देर तक वहाँ करें इसी प्रकार से हम भी अब इसको इस कला को हम समझ लें अब यहाँ भी जब हमारी अविष्ट वस्तु चाहे पठन पाठन हो चाहे हमारा कोई अलग चिंता हो उसमें उस समय जब मन लगा रहता है आनंद की अनुभूति होता है उस समय उसमें थोड़ी देर तक रहें जब आप आनंद में कोष में रहेंगे इतनी कोष है कि आप विचार हो पाए फिर अचानक उस कोष का शुद्ध आनंद को अर्थात स्वरूप बुद्धि उस आनंद को थोड़ा सा यदि उसको कुछ देर तक नहीं पता है ना अपने आप को जो चिंतन तो आप थोड़ा एक रुक जाए बस अपने शुरू एक पहले कुछ देर तक आनंद में कोष में रहने का अभ्यास करें फिर जो वृद्धि आनंद वृद्धि जो मन में आया कोष में वो ढोल तो जो आपके अस्तित्व शुरू है ये यदि मान लीजिए आप किसी दुकान में गए आप कुछ सामान खरीद तो आप कुछ सामान खरीद गए हैं तो आपका अभी तक उसको आपके पास आपने दिया और फिर आप अपने पेमेंट करना चाहते अचानक बिल्कुल डर्क हो गया बच्चे दिन भी चले गए फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंडीशन क्या हो गया सारा बिल बंद हो गया कौन स्थिति होता है कोई सारा व्यक्ति बंद अचानक उसकी फिर आप धीरे धीरे ऐसे जो है कि पंचकोश नाम आत्मा जो यहाँ पे पढ़ते हैं बहिर्भाव अविशेष अविशिष्टम पंचानाम अभी कोश होता है इसलिए पाँचों ही कोष कैटेगरी में इस विषय में कोई विशेषता नहीं है कि टीका को एक जान कुछ को टीका का यदि इसी को लेकर के आनंद में अधिकारण भगवान भाष्य को भाष्यकार को सूत्र को व्याख्यान करने के बाद सूत्र को इस प्रकार से व्याख्यान कर लेना चाहिए सूत्र अर्थ किस प्रकार अलग करके लिखा और वर्ण दो वर्ण में आनंद में कोष को लिखा जो पहले का व्याख्यान है उसको रख दिया आनंद में कोष पहले बाद स्वीकार किया उसको रखने के बाद अपने आप को किस प्रकार से व्याख्याता व्याख्याता विस्पष्ट आख्याता तैतरीय तैतरीय तो शाखा उपनिषद ब्रह्मवल्ल तैतरीय शाखा उपनिषद ब्रह्मवल्ल में ऐसा कहा गया है तेषां कोषाणाम आत्मा उन समस्त कोषों का आत्मा मंत्र चलो मतलब ये ना आत्मा ना पंच अभी कोषात्मा मंत्र भवंती मतलब पाँचों को जिससे जो सत्ता स्फूर्ति होता है अंतर गमीन सबसे अंतर जो है जीव शब्द हेतु उसमें जो सबसे अंतरतम कोष है अंतरतम स्थिति है उसमें जीव शब्द पर देशां परो जीव जीव शब्द प्रवृत्ति के लिए हेतु है सही सर्वेशां जीवन निमित्तत्वात् जीव है ना वो जो अधिष्ठान जो ब्रह्म है उसको जीव शब्द का इसलिए कहा गया है क्योंकि उसी के निमित्तों से सब में जीवात्मक व्यवहार है सही सर्वेशा जीवन निमित्त जीव जीवन निमित्त जीव विशिष्ट टीका जीव शब्द तब आकांक्षा द्वारा व्यवहार
यदि ये विद्या जीव मतलब कुछ मतलब हम तो बोलते हो कोई कुछ ना जीव मतलब एक सच्चा वस्तु है करता बोलता वाला वो अपने आप नहीं ऐसे होता है विशिष्ट का जीव का सर्वप्रथम आकांक्षा द्वारा क्या होता है पहले जीव का कौन है ये जिसे पूर्व में हम सदा सुनावी का प्रश्न करता है कि जीव कौन है करता बोलता है शरीर से भी है पर करता बोलता है सूक्ष्म जीव उसको जीव कहा जाता है वो जीव कहना चाहता है क्या परमात्मा है जीव कैसे बोल करते हो तो आपने पहले प्रतिज्ञा किया सत्यम ज्ञान मानंद ब्रह्म विलापना होगी परम सत्यम ज्ञान मानंद उसके बारे में कथन करोगे उसके बाद इसलिए हम उसके प्रतिज्ञा किया वही होगा एक दिन और विशुद्धि की टेक्निक समझ क्या है हमने पहले प्रतिज्ञा में क्या बोला सदैव स्वयं अभ्यास अपने अक्षर शब्द प्रयोग बीच में किसी को समझाने के लिए हमने पंचीकरण किया बोला फिर बीच में शब्द आया कि प्राणमय सौम्य मन प्राणमय सौम्य मन वहाँ पे सामान्य क्या होता है प्राण बंधन अभी सौम्य मन है ऐसा शब्द आया मतलब ये मन का प्राण ही बंधन है मन का प्राण ही बंधन है वहाँ पे प्राण शब्द का अर्थ किया गया वो सत्य बंधन शब्द का अर्थ किया गया एकमात्र आश्रय और मन शब्द का अर्थ किया जीव बिंदु को तरह नहीं चलता है बहुत अच्छी तरह से शुरू शब्द को ध्यान रखना पड़ता है कि हमने प्रतिज्ञा में शुरू में जिसको किया और उपसंग्रह में जिसको भी किया उसी को प्रतिपादन करने के लिए हम दृष्टांत के रूप में जो भी कुछ लाएंगे उसी का बोधक होगा किसका जिसको किसी को बोध कराने के लिए हमने प्रतिज्ञा किया उसी का बोधक होगा कई श्रुति की तात्पर्य को निकालने के लिए कुछ टेक्निक है वो टेक्निकली क्या पूर्व मीमांसा दर्शन से प्राप्त होगा उस टेक्निक को हम लोग यहाँ पर छोड़ और उसी टेक्निक को वेदांती बोले हमारे संप्रदाय के आसक्त है किसी को किसी का बोलते हैं वहाँ पे जो है प्राण बंधन की सौम्य मानो वहाँ पे प्राण शब्द का तात्पर्य का तो अर्थ शब्द अर्थ तो ठीक है तात्पर्य का तो अर्थ सब सदैव सौम्य जिसको कहा गया और मन शब्द का वो जीव जिसको दिखा रहा है जिसको कभी को दिखा रहा है मतलब जीव का एक मंत्र बंधन आश्चर्य प्राण सत्य कई है तभी देखो प्रकरण से तालमेल खाए जाने का अलग अलग लगने लगे ये चीज को नहीं समझने के कारण बिना सब अलग अलग प्रकार के अर्थ हो जाते हैं आपने जो बदन उसको मान रहे हैं कि हम तात्पर्य निर्णय देखो किसको बोल रहे हैं इसलिए बोलते हैं पर एक आत्मा का पूर्ण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म बोलने के लिए प्रतिज्ञा किया कहें ब्रह्मानंद बोलने का प्रतिज्ञा बात करें ब्रह्म विलाप होगी परम सत्य ज्ञान अनंत इसलिए उसी को ही हम यहाँ पे व्यक्त करते हैं और उसी को बोलते वही ब्रह्म उच्च प्रतिज्ञा मतलब शब्द का अधिष्ठान होता है इसलिए वही पर आत्मा है वही शुद्ध आत्मा है और वही प्रतिपाद्य है कोष प्रतिपाद्य नहीं है कोष प्रतिपाद्य नहीं है तो माध्यम है ना उसी को आपको याद होगा मानदिश का शुरू में स्वयं आत्मा चतुष्पाद ऐसा कुछ नहीं उसमें तीन पाद को बोला पद्यते अनेन इति पाद और पद्यते इति पाद पाद शब्द का भगवान भास्कर व्याख्या करते समय जिसके ऊपर चल के जाया जाता है उसको पाद बोलते हैं तो यहाँ पे पहला तीन पाद को देखो कर्णार्थ में विभक्त कर्णार्थ में आपका अंग प्रत्यय हुआ है पाद पद धातु से अंग प्रत्यय हुआ है वो जो कर्णार्थ में पहले तीन और बाद में कर्मार्थ में जिसको प्राप्त किया जाए इसी प्रकार ये पांच कोष जो है प्रत्यति अनेन और वहाँ पे अधिष्ठान जो है प्रत्यति इसी में इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति प्रत्यय आगे और बोलते हैं ठीक है प्रकरण विच्छेदनार्थम प्रकरण अविच्छेदनार्थम क्या लिखा है प्रकरण अविच्छेदनार्थम प्रकरण अनुसंधत्ते मतलब ये जो प्रकरण ब्रह्म को बोलूंगा प्रकरण करके आप शुरू कर दिया अन्नमय प्राणमय मनोमय कुछ तो बोलो प्रकरण अलग अलग हो गया नहीं इसे होता है प्रकरण अविच्छेदनार्थम मतलब प्रकरण में विच्छेद प्रकरण में भिन्नता नहीं है उसको बोलते हैं इसलिए प्रकरण अनुसंधत्ते उस प्रकरण का अनुसंधान करते हैं मतलब उसका अर्थ तात्पर्य का अर्थ कहते हैं शब्द देखिए टीका शब्द टीकाकार बोलता है प्रकरण अविच्छेदनार्थ मतलब जिसको प्रतिज्ञा दिया उससे भिन्न वस्तु को नहीं लेगा विच्छेद नहीं किया अविच्छेदनार्थ क्या कहते हैं प्रकरण अनुसंधक और प्रकरण में किस किस बात को कहेगा उसको अनुसंधान करते हैं अनुसंधान करके क्या ठीक है इसलिए बोलते हैं यस्मा तो चार नंबर के टिप्पणी में देखो
प्रकरण अविच्छेदनार्थमिति सत्यम इत्यादि ब्रह्म प्रकरणम क्या बोलते क्या किया था हमने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सत्यम इत्यादि ब्रह्म प्रकरणम। अच्छा फिर क्या बोलते हैं कि सत्यम इत्यादि ब्रह्म प्रकरणम पृथक तत् भिन्नम एव च उस प्रकरण उससे भिन्न बनते उसका प्रकरण है ठीक है ना। वो पूर्व वाले ऐसे समझ रहे हैं इसीलिए गड़बड़ हो जाता है। इसलिए बताया सत्यम इत्यादि ब्रह्म प्रकरण पृथक तथा भिन्न में कोश प्रकोष से भिन्न प्रकोष का प्रकरण तथा च न अद्वितीय ब्रह्म परम कोश वाक्य न इसलिए ये कोश वाक्य के तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म भी आप नहीं कह सकते हैं ये आप नहीं कह सकते हैं कि पूर्ववादी बोल रहे हैं ठीक है ना। इसमें सत्यम इत्यादि ब्रह्म प्रकरण पृथक तथो भिन्न एवं कोश प्रकरण तथा च न अद्वितीय ब्रह्म परम कोश वाक्य नाम यदि आशंक ऐसा कोई शंका करते हैं उसको आशंक इत्यादि आगे बोलते हैं। देखो भाई हम ऐसा नहीं करते हैं हमारा सिद्धांत तो एक ही अभिधर्मता नहीं घूमते जिसको पकड़ते हैं उसी जगह पे खड़े होकर उत्तर देते हैं। उपक्रांत आत्म प्रकरण विभाग अभाव बोधनार्थ उपक्रम जिसको किया था ब्रह्म आत्मा को प्रकरण करने उसको उस प्रकरण को विभाग की अभाव मतलब उसको अलग करने के अभाव करने के लिए कोई हमारे पास वहाँ पे प्रकरण विच्छेद आत्मा कोई बात नहीं। एक मिनट देखिए यहाँ पे हम सब दृष्टांत देखे समझाएंगे आपको। ईशावास्योपनिषद का मंत्र आपको डॉक्टर सभी को थोड़ा बहुत याद होगा। पहला आठ मंत्र क्या है उसका ईशावास्योमितम सर्वम से लेकर के स आत्मा परिर्वाता पायवा प्रणमस्नाग्रम शुद्धमा पापवित्र यहाँ तक आपका ज्ञान प्रकरण। आप बोलेंगे कैसे पता लगेगा आपको आगे देखो जहाँ पे विद्रम सविद्रम के दस्तर के उभय मुख स्वर्ग इसको यहाँ पे प्रतिज्ञा के अलग करके आगे फिर अलग फल कथन करते हैं। अब नहीं न शुभ बता रहे हिरणमय बता दे ये जो अलग अलग फल कथन करते हैं तो एक प्रकरण में एक चीज को उत्थापन करके उसका फल कथन कर देता है वो प्रकरण वहाँ समाप्त हो जाता है। दूसरा प्रतीक बात लेकर अलग फल कथन करता है जो कि वहाँ का अलग करके फल कथन नहीं होता तो फलवत फलवत अफलवत अपना फलवत अंगम फल फलवत सन्निधो अफलम तदंग फलवत सन्निधो अफलम तदंग फलशाली के कथन सन्निधि में कहा गया जो अफल वाला उसका अंग हो जाता है। जैसे वेदांत उपनिषद में अश्वमेध ब्राह्मण जो पहला आया हुआ है उसके बाद अग्नि ब्राह्मण है अश्वमेध ब्राह्मण में फल कथन नहीं है अग्नि ब्राह्मण में जाकर फल कथन करता है दोनों मिला करके एक उपनिषद एक प्रकरण है एक प्रकरण एक प्रकरण। अब यहाँ पे देखिए ईशावास्य उपनिषद में तो अलग अलग मतलब आपने ज्ञान प्रकरण और एक उपासना इस प्रकार जब अलग अलग प्रकरण होगा तो अलग करके फल कथन होगा। परंतु यहाँ पे देखो ब्रह्म विदापति कर्म करके जो फल कथन पहले कर दिया अंतिम में जाकर इसको पुष्ट करता है अलग भी फल कथन नहीं करता इसलिए यहाँ पे न प्रतिज्ञा अलग है न फल कथन अलग है इसका प्रकरण अलग नहीं है तात्पर्य उसी में है। उपक्रांत आत्म प्रकरण विभाग अभाव बोधनार्थम तत्व प्रकरण बने इसीलिए जो उपक्रम बोला गया था या जो प्रकरण के विभाग के अभाव बोधना नहीं वहाँ पर जो दूसरा प्रकरण प्रकरण अविच्छेदनार्थम हर प्रकरण पर दिया हुआ है प्रकरण अनुसंधान थे पाँच मतलब प्रकरण ऐकम चिंतन थी अनुसंधान थे ये दोनों प्रकरण भिन्नता नहीं है एक बात होगा कैसे उसका भी चिंतन करते अलग करना हमेशा देखना जहाँ पे एक बार कोई प्रतीक एक नया प्रतीक कुछ विधान कर दे उसके साथ फल कथन कर दे तो प्रकरण वहाँ पर समाप्त हो यदि उसके आगे कोई अलग विधान करते हैं कोई फल कथन नहीं करते हैं तो उसका अंग होगा। जैसे दर्शन पूर्ण हमारे जाति फल कथन है और जात पर इसकी फल कथन नहीं है कि प्रकरण करें उसका दोनों मिलकर एक कथन कई चीज टेक्निक हमें इसलिए व्यवहारिक वर्तन है हमारी फर्क में जैसा न्याय पूर्व मीमांसा दर्शन और दिखाए गए तो प्रकरण उसी न्याय का आधार पर चलते हैं हम दर्शन करते नहीं करते इसलिए अभी बोलते हैं प्रकरण अभिच्छेदनार्थम प्रकरण अनुसंधाते प्रकरण अनुसंधाते प्रकरण ऐक्यम चिंतयति प्रकरण की एक बात पता प्रकरण की एक बात पता भी हमें चिंतन किया जाता है ये इच्छा नहीं अब क्या बोलते हैं प्रतितस्य परस आत्मन स्वतत्ते फलितम आह इस प्रकार से वहाँ पे उसको मतलब ब्रह्मानंद वर्णी में परमात्मा प्रतिपाद्य विषय एक ऐक्य ऐक्य प्रतिपाद में प्रतिपाद्य विषय प्रतितस्य परस आत्मन जो जिसको बारे में कथन किया गया प्रतितम का जिसके बारे में प्रतिज्ञा किया था ब्रह्म ब्रह्म वही परमात्मा है स्वतत्ते वही श्रुति का तात्पर्य विषय ऐसे सिद्धांत फलितम आह इसलिए कहते हैं न तार्किक परिकल्पित आत्मवाद पुरुष बुद्धि ब्रह्मानंद हमने तार्किक लोगों ने जैसा अपने बुद्धि से सिद्धांत बनाकर के दूसरे के बात को जरा पुष्ट करें ऐसा हमारे सिद्धांत नहीं हमने श्रुति के तात्पर्य के दूसरे और दिन देख करके तब हम बोला हमारे सिद्धांत में अभिप्राय है यह दोनों भी सिद्धांत में नहीं इस प्रकार से एक जगह के बारे में देखो अब जो वेदांत को मधुर नाम है
द्वितीय अध्याय की पंचम मधुरा वहाँ पे अध्यात्म और अधिदैव को अलग अलग कथन करके दोनों के अंदर एक ही पुरुष को मान इसीलिए अध्यात्म और अधिदैव अध्यात्म अधिदैव को अध्यात्म बोलने सब अधिदैव उसमें अधिभौतिक दोनों में आ जाता है मतलब यहाँ जो अध्यात्म में बैठा हुआ अधिदैव में जो बैठा हुआ है दोनों एक ही है मतलब भूत की तरह कन्वर्ट है यहाँ पे दोनों में आईक्यू दिखाने के वहाँ पे क्या किया था पहले अध्यात्म और अधिदैव को लिया और दोनों को दिखा करके वहाँ भी जो पुरुष है यहाँ देव पुरुष है इस प्रकार स्वामी को दिखाया यहाँ मैंने एक बात को देखो आप उसमें मधुर ब्राह्मण का 9 नंबर टिप्पणी कर देता है और संगत में आ जाएगा क्या कहना चाहते हैं जो इसके बाद स्वामी द्वितीय अध्याय से पंचम ब्रह्म वेदांत उपनिषद यम पृथ्वी सर्वेशा भूतानां मधु अस्य पृथ्वी सर्वाणि भूतानि मधु यश्चयं पृथिव्यां तेजोमयो अमृतमय पुरुषो यश्चयं अध्यात्मं शारीरस्तेजोमयो अमृतमय पुरुष अयम् एव स द्वयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वमिति एव मादिरूप इति अर्थ इसमें का स्वामी अध्यात्म में 12 स्थान और अधिदैव में अलग अलग करके दिखाया जो एक ही पुरुष है कितना क्या बोला यहाँ पे एक का समय यह पृथ्वी सर्वेशा भूतानां ये जो पृथ्वी है ना ये पृथ्वी समस्त भूतों का मधु है मधु मतलब क्या है जो अनेकों के द्वारा बनते हैं और अनेक मिलकर इसको उपभोग करते हैं इसको बोलते हैं मधु यम पृथ्वी सर्वेशा भूतानां अस्य पृथ्वी सर्वाणि भूतानि मधु ठीक है ना और इस पृथ्वी भी इसको समस्त भूत भी मतलब ये पृथ्वी समस्त भूत के कारण मल से बना और ये पृथ्वी को समस्त भूत भूत मिलकर भोग करते हैं इसलिए बोलते हैं अस्य पृथ्वी सर्वाणि भूतानि बस पृथ्वी के समस्त भूत बने यश्च अयम पृथ्वी आप तेजस इम्पोर्टेंट थिंग यश्च अयम पृथ्वी आप तेजोमय अमृतमय पुरुष ये जो पृथ्वी में तेजोमय अमृतमय पुरुष बैठा हुआ है पृथ्वी और यश्च मध्यम अभी तब तक मन जो उनके शरीर में जो यहाँ तक इसमें भी पृथ्वी है इस पर पृथ्वी घर में जो पुरुष बैठा हुआ है इसलिए बोलते हैं यश्च मध्यम शारीर शरीर भव शारीर तेजोमय अमृतमय पुरुष दोनों जगह पे एक ही कॉमन तेजोमय अमृतमय पुरुष है पृथ्वी में भी वही तेज में अमृतमय पुरुष है और इसमें भी तीन भाग वही तेज में अमृतमय पुरुष है अरे नहीं बस वही है जो पृथ्वी के अंदर बैठे वही अय नहीं बस ये कौन है आप देखिए अयम आत्मा यही हमारा स्वरूप है एकदम अमृतम ये अमृत कौन सा है कि हम तेन श्याम जेन नाम अमृतम कि हम तेन बोलिया जेन नाम अमृत श्याम ये मैं तीन ग्रंथ में जो अमृतत्व को मध्य मैत्री प्राप्त करना चाहते वही अमृतत्व एकदम अमृतम ये मतलब मतलब मैत्री ब्राह्मण में मैत्री जिस अमृतत्व को प्राप्त करना चाहते हैं वही अमृतत्व ठीक है ना तो हम भाषण कर बोले तो हम एकदम अमृत फिर क्या बोलते हैं एकदम ब्रह्म ये वही ब्रह्म है कौन सा ब्रह्म है वो जो किम तत् ब्रह्म वे तस्मात तस्व प्रथम अध्याय चतुर्थ मध्य दशम कंडिका में सात्मान में तो अवे तस्मात तस्व ये वही ब्रह्म है अथवा ये जो आपका द्वितीय अध्याय में जो प्रतिज्ञा वाक्य है सूर्य में ब्रह्म के प्रमाणी थी इसलिए वही सर्व भाव है सर्वात्म भाव है ये फल है देखिए श्रुति की एक बात पता भाष्य का कैसे दिखा है प्रथम अध्याय में जो तस्मात् सर्वो सर्वम जो द्वितीय अध्याय के शुरू में जो प्रतिज्ञा ब्रह्म ने प्रवाणी किया तो द्वितीय अध्याय के तो ब्रह्म जो अमृत अध्याय ये तीनों वही है वो पुरुष वही है वो इस प्रकार से मधु ब्रह्म ने प्रतिपादन आप बताइए इतना गहराई के साथ विचार करने के बिना आप अर्थ लगाएंगे कैसे स्पष्ट स्पष्ट भाष्यकार को देख कैसे पूरा द्वितीय पूरा दोनों अध्याय को एक एक धागा में गूंथा तो इस प्रकार से जो हमें प्रतिपादन किया मतलब आधिदैविक और अध्यात्म में जो भूत के द्वारा आभारी है उस पृथ्वी में भी देवता बैठा हुआ है इसमें भी देवता बैठा इन दोनों में चेतन का थोड़ा एक ही पुरुष एक ही चेतन का एक ही पुरुष इस प्रकार से इसलिए ये जो भौतिक इसमें सत्यत्व नहीं है इसमें तात्पर्य नहीं है प्रतिबंध बहुत पुरुष है ठीक है ये उनका कहना क्या है कि ये जो जगत आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें पारमार्थिक सत्यत्व है ये तो प्रतिक्रिया आप अध्यय प्रकट
कैसे देखो अपने आप स्तुति पात्रों को कैसे संबंध समन्वय करके वहाँ पे सत्यत्व नहीं है सत्यत्व वहाँ पे स्तुति कैसे दिखाती है ये सभी प्रश्न है। हाँ बहुत सारे बोले क्या पहले बना बोलते हैं दूसरा वाला हाँ वैशाखमेध सुबित जलनिधे वेदनामन्तरस्थं शांति शांति।